किसी न किसी रूप में हम सभी केयरगिवर्स हैं, कभी घर में बूढ़े माँ बाप या सास ससुर के लिए, तो कभी कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है घर में जो कि लंबी चलती है, पर उस समय हमें उनका ध्यान रखना होता है। पर होता क्या है कि उस ध्यान रखने के प्रक्रिया में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेके हमने केयरगिवर साथी का विचार सोचा। तो इसमें सिंपल सिंपल से टिप्स हैं जो कि अगर हम याद रखें तो ना केवल हम अपने पेशेंट का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, हम भी सही रहेंगे, अच्छी सेहत रहेगी और हम अपने को निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम WHO की हेल्थ डेफिनेशन पे जाएं तो वेल बीइंग का मतलब है हर तरीके की वेल बीइंग, सिर्फ फिजिकल नहीं। अगर हम सबसे पहले अपनी रूटीन, जिसका मतलब है कि कुछ सुबह हमें कैसे तैयार, जो एक्सरसाइज करनी है, तैयार होना है, पूजा पाठ करना है, वो सब उसी तरीके से करते रहना है जैसे कि हम पहले करते थे। अब इसमें सब कोई यही कहेगा कि इतना समय कहाँ है, समय कैसे निकालें। समय थोड़ा कम किया जा सकता है इन चीज़ों के लिए, पर ये रूटीन पूरी की पूरी तोड़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इससे आप अपना ध्यान भी रख पाते हैं और पेशेंट का। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें 5-स्टार में खाना खाने जाना है या कोई डाइटिशियन से हमने डाइट लेनी है। जो हमारी नॉर्मल डाइट है जिसमें के जो बैलेंस हो, जिसमें के प्रोटीन भी मिल जाए और कुछ मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल जाए, वो हम ध्यान रखें। ये नहीं कि चलो पेट भरने के लिए एक दो रोटी खाई और कुछ भी पुराना फ्रिज से निकाल के खा लिया कि चलो कोई बात नहीं मेरा तो क्या है। नहीं, आप अगर अपने आप को प्यार करते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है, तो सबसे पहले ये है कि आप सादा खाएं चाहे, पर उसमें आपको सारे से के सारे तत्व मिल जाए। तो ये तो हमारा पहला शब्द न्यूट्रिशन, तो याद करना भी आसान है कि भोजन तो सबको चाहिए। दूसरी चीज़ है मेडिकेशन। अब हम आजकल उम्रें लंबी हो गई हैं और जब तक माता पिता बूढ़े होते हैं बच्चे भी बूढ़े हो चुके होते हैं, उनको भी कोई ना कोई तकलीफ रहती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कुछ भी, तो उनको एक रूटीन में दवाई खानी होती है। पर होता क्या है कि हम, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी होती है, एंजाइटी भी बनी होती है, सारे काम भी पूरे करने होते हैं, हम अपनी दवाई समय पर लेना भूल जाते हैं। अब उससे क्या होगा, और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अब केयर गिवर ही बीमार पड़ जाएगा तो फिर सारा घर चरमरा जाएगा। तो दूसरा शब्द हो गया हमारा मेडिकेशन। पर मेडिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपने दवाई खा ली, क्योंकि वो तो चलो फिर भी आदमी खा ही लेता है, पर अब हर उम्र के हिसाब से हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं जो कि निहायत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डाइट में तो सारे मिलते नहीं। तो इसलिए हमें वो भी मेडिकेशन का एक पार्ट है कि हमें सप्लीमेंट्स, जो भी आपको कैल्शियम, विटामिन डी या जो कुछ भी कहा गया है, वो आप लेते रहिए ताकि आप जो है आपकी वेल बीइंग बने। अब ये दो चीज़ें तो हो गई, न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन। अब आप सोचेंगे तीसरा शन का आ सकता है। तीसरा शन जो कि बहुत ही ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड है, वो है रिक्रिएशन। अब घर में बीमारी है तो हम सोचते हैं अब हम घर से बाहर कैसे निकलें, अगर निकलेंगे तो दुनिया क्या कहेगी कि घर में तो पति बीमार है या बूढ़े माँ बाप या सास ससुर बीमार है और इनको घूमने की पड़ी हुई है। ये बात घूमने की नहीं है, आपका माइंड कुछ देर के लिए ही सही उस घर की स्थिति से, बीमारी से हटना चाहिए, डाइवर्ट होना चाहिए। नहीं तो आप हर वक्त वही बात सोचते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर हो जाएगा, वो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए उस जगह से हटने के लिए पुराने टाइम में भी औरतें सत्संग में चले जाती थी या मंदिर के नाम पर चली जाती थी, और ये सब बड़े अच्छे तरीके थे कि आपका ध्यान थोड़ा सा परिवार से, बीमारी से दूर हो जाए। रिक्रिएशन उतनी ही ज़रूरी है ये जितनी कि न्यूट्रिशन या मेडिकेशन। तो रिक्रिएशन का अपना ऐसा नहीं कि आप रोज़ कहीं चले जाएं, पर जब भी आप सोचते हैं हफ्ते में एक बार या जितने बार भी आप समझते हैं लाजमी है, आप ज़रूर जाइए। अगर घर से बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते, अपने किसी फ्रेंड से बात कीजिए,
फोन पे बात कीजिए, आप मेल के थ्रू किसी के साथ शेयर कीजिए, शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पर उस समय हमें लगता है कि अब हम अपना दुखड़ा किसके सामने रोए, और यहाँ पर ज्यादा ही दुखड़ा रोने की आदत पड़ जाती है, तो हम हर वक्त वही बात करते रहते हैं। हो ना हो के अगर हम कभी कभी अपने इमोशंस को शेयर करें, कभी किसी से बातचीत करें, कहीं थोड़ा बाहर जाएं, तो ये भी हमें बहुत मदद करेगी। और चौथा और आखिरी इम्पॉर्टेंट शर्म है मेडिटेशन। अब जब मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, तो मैं कोई जंगलों में जाके समाधि लगाने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कुछ देर के लिए हम सिर्फ अपने साथ रह पाए, चाहे लेट के या बैठ के, चाहे दो मिनट के लिए, या जितना आपको आपकी दिनचर्या आपको इजाज़त दे, उतनी देर के लिए आप एकदम डिस्टर्ब होकर लेट जाइए या बैठ जाइए। और कोई विचार आते हैं, हर योगा हर मेडिटेशन वाले लोग बोलते हैं कि शून्य की स्थिति और लाने की जरूरत नहीं है, जो भी विचार आते हैं आने दीजिए, और इस तरीके से आपको अपने लिए थोड़ा सा धीरे धीरे ये समय बढ़ भी सकता है जब आपको एक बार ये करने की आदत हो जाएगी। तो आप ये चार चीज़ें अपनी दिनचर्या का भाग बनाइए और ट्राई करके देखिए, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है आपको कुछ मदद मिले। शुक्रिया।